Now for practice, let's solve quickly solve couple of questions. say मान first question, second, third, fourth. to answer first question. क्वेश्चन इसमें डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा इसमें तो सिंपली दो फंक्शन है एक्स अलग है टेन एंड एक्स अलग है तो प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा लिया एक्स को डिफेंशिएट किया वन सेकेंड फंक्शन एज इट इज ठीक है प्लस फिर एक्स को एज इट इज लिखा और टेन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो याद आएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वा तो आंसर कितना आ गया टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स ये ठीक है ये फर्स्ट फंक्शन हो गया सेकेंड फंक्शन सबसे पहले तो y इज इक्वल टू वन ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है ये ठीक है इसको एक तो डायरेक्टली भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दूसरा डिनोमिनेटर में अगर हमें ऐसे दिखाई देना स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ठीक है उसमें भी वेरिएबल पार्ट सेम है तो अगर मैं इसको रैशनलाइज करूँ मतलब अगर मैं ऊपर नीचे रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर में कितना बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा जी ठीक है वो तुम तो अपने आप रैशलाइज करके देख सकते हो तो ऐसा करने से क्या होगा डिफ्रेंशिएशन Different थोड़ा इजी हो जाएगा ठीक है हमें कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़ेगा तो यह आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए कांस्टेंट ठीक है तो अब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा ठीक है इसको अगर डिफरेंशियट करोगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस्ट पर हाफ तो हाफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस्ट पर माइनस हाफ एन माइनस वन होता है इन टू फिर चेन रूल से अंदर जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया ठीक है तो वो कितना जाएगा टू एक्स सिमिलरली ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस्ट पर हाफ इन टू एक्स तो ये टू और टू कैंसिल हो जाएगा ये भी टू टू कैंसिल तो आ जाएगा वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है और बाकी बस सिंप्लीफाई कर सकते हो x को बाहर निकाल दिया तो वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है या क्या एल सी एम वगैरह भी ले सकते हो तो डिफरेंट फॉर्म में आ जाएगा वो डिपेंड करता है कि आंसर हमें किस फॉर्म में दे रखा है अच्छा ये हमने शायद पहले ही बोला था कि कोई कैलकुलेशन के लिए ना इसको याद कर लो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर इसका जो डेरिवेटिव है ये ठीक है वो कितना हो जाएगा एक्स अपॉन यही वाला टर्म ये ठीक है ऐसे याद कर लिया इसको अगर मान लिया उल्टा लिखा होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके लिखा हो तो आंसर कितना आएगा तुम इसको ऐसे देखो समथिंग रेस्ट पर हाफ लिखा है तो डिफ्रेंशिएट करोगे अगर इसको ठीक है तो एक तो हाफ आएगा फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेशो अब माइनस हाफ आएगा तो उस माइनस हाफ की वजह से ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा इसीलिए ये वाला टर्म डिनोमिनेटर में आ गया ठीक है फिर क्या होगा जब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो एक्स स्क्वायर की वजह से एक टू एक्स आएगा तो वो जो टू और हाफ है वो कैंसिल हो गया यहाँ पे भी कैंसिल हो गया ठीक है तो यहाँ पे वो एक्स बचा और माइनस हाफ़ पावर था उसकी वजह से डिनोमिनेटर में आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर टर्म पहले लिखा हुआ है तो यहाँ पे बस क्या अंतर है यहाँ पे एक्स स्क्वायर टर्म बाद में लिखा है तो अगर बाद में लिखा हुआ है तो एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा एक्स अपॉन द टर्म तो ए स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है ये याद कर सकते हो थोड़ा सा क्विक हो जाएगा कैलकुलेशन मतलब पूरा इतना एक एक स्टेप लिखने की बजाय कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली कर सकते हैं थर्ड क्वेश्चन इज लॉग ए लॉग ए एक्स तो थर्ड क्वेश्चन से इज वाई इज इक्व टू लॉग ए लॉग ए एक्स तो दिस सिंपलाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्व टू ठीक है अच्छा उससे भी पहले डी डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स क्या होता है अगर केवल एल एन एक्स होता तो वन अपॉन एक्स होता इसमें क्या होता है बस एक्स के साथ अगर बेस कुछ और है तो डिनोमिनेटर में एल एन ए और एक्सटा आ जाता है ये ठीक है यह फॉर्म ना तो यहाँ पे सबसे पहले अच्छा ये ये तो समझना था कि ये कॉम्पोजिट फंक्शन है लॉग ए ऑफ लॉग ए एक्स लिखा हुआ है तो सबसे पहले हमें ये वाला लॉग मिला तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा वन अपॉन एक्स तो एक्स की जगह यहाँ पे क्या लिखा है लॉग ए एक्स ये लिखा है तो वन अपॉन एक्स और साथ में हमने क्या बोला था कि एल एन ए और आ जाएगा तो इन टू एल एन ए टर्म लिखने से दिस इज़ टेकन केयर इसका डिफ्रेंशिएट इसका डिफेंशिएशन हो गया ये ठीक है बट अभी ये काफी नहीं है क्योंकि इसके आर्ग्यूमेंट में एक्स नहीं है तो अब इसके आर्ग्यूमेंट में आए अब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो लॉगे एक्स का डिफ्रेंशिएशन वो तो ये लिखा हुआ तो ये है तो इंटू तो वन अपॉन एक्स एल एन ए तो दिस इम्पलाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्व टू वन अपॉन पहले ये एक्स लिखा फिर ये लिख सकते हैं एल एन स्क्वायर ए तो एल एन स्क्वायर ए इन टू लॉग ए एक्स ये आंसर होगा ठीक है लॉग की प्रॉपर्टी से शायद पता होगा कि लॉग लॉग की प्रॉपर्टी से ये ये शायद पता होगा कि लॉग ए बी ऐसे लिखें वो लॉग बी ए का रेसिप्रोकल होता है ठीक है तो ये जो एल एन ए लिखा है इसमें बेस क्या है ई e, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ये ठीक है इसको ऐसे लिखते हैं वन अपॉन लॉग ई टू द बेस ए या फिर दूसरा बेस चेंजिंग थ्योरम से अगर ऐसे लिखा है लॉग ए बी बेस चेंजिंग थ्योरम से क्या होगा यहाँ पे तो बेस कितना है ए अगर मेरे को नया बेस सी चाहिए तो आई कैन राइट डाउन मतलब लॉग सी अपॉन लॉग सी ऊपर बी लिख दिया नीचे ए लिख दिया ऐसे ठीक है कहने का मतलब क्या इस पे अगर में बेस चेंजिंग थ्योरम लगाऊं और नया बेस एल एन स्क्वायर एक्स नहीं ए है आंसर तो ये आ चुका है वट आई एम ट्राइंग टू डू इज दिस कि मान ले ऑब्जेक्टिव में हमारा ये आंसर मैच नहीं हुआ तो उसका मतलब क्या है कि मे बी थोड़ा सा मैन्युपुलेशन और करना पड़े तो ये था माने अगर हमारे आंसर मैच नहीं हुआ तो हम और क्या क्या कर सकते हैं इसका मान ली हमने बेस चेंज कर दिया इसका बेस हमने ई e ले लिया और बेस चेंजिंग थ्योरम में हमने ये बताया था कि लॉग ए बी अगर ये लिखा है और बेस चेंजिंग थ्योरम लगाना है और लॉग नया नया बेस सी लेना है तो तुम तो तो ऐसे लिखो लॉग लॉग लिखो यहाँ सी यहाँ सी ठीक है ये बेस चेंजिंग थ्योरम है अब बी को तो इधर लिख दो और नीचे वाले को नीचे लिख दिया ए तो उस हिसाब से अगर इसका नया बेस मान लिया ई लेना है तो एल एन लिखा एल एन लिखा एक्स ऊपर है तो उसको तो यहाँ लिख दिया ए नीचे है तो उसको यहाँ लिख दिया तो इस एल एन ए को और इस एल एन ए को कैंसिल भी कर सकते हैं तो आंसर कैन ऑलसो भी रिटर्न है वन अपॉन एक्स एल एन ए इन टू एल एन एक्स तो ये भी आंसर का फॉर्म आ सकता है ठीक है अगर मान लिया हमें केवल आंसर देने के लिए बोला जाए और हमने ये आंसर छोड़ दिया तो वो भी चलेगा Okay, I hope this is clear.